बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार कभी सेक्स पर ज्ञान तो आज विपक्ष के नेता जीतन राम मांझी पर राजा की तरह अहंकार में भड़कते नजर आए। नीतीश कुमार के इस रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बिहार में बैठकर नीतीश कुमार को जितना बड़ा नेता बनाते हैं उतने वो हैं नहीं। हम भी प्रदेश की राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायकों वाले एमएलए की पार्टी को चला रहे नीतीश कुमार को 75 साल की उम्र में पूछ कौन रहा है। आप लोगों ने तो बिहार में हल्ला किया कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं। इन्होंने नाम रखा दूसरा तो नाम बदल कर दिया इंडिया। ये बात करने गए कुछ तो इनको कोई तर्ज ही नहीं मिली। खुद से मियां मिट्टू होने वाली बात है। नीतीश कुमार को आप लोग जितना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमपी के एमएलए के पार्टी को नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है। आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं। इन्होंने अगर नाम रखा दूसरा तो उसको हटा के कर दिया इंडिया। ये गए बात करने कुछ, इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली। ये तो खुद से मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। और बिहार के पत्रकार जो हैं, अपनी अज्ञानता कहिए या बिहार के प्रति उनका प्रेम है, उनको लगता है कि बिहार का ही कोई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नीतीश कुमार की क्या हैसियत है कि वो बन जाएंगे? भैया देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी? दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तृणमूल अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? तीसरे नंबर पर डीएमके है, वो अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? आप ही के मुंह में सबसे अच्छा सुरकाफ का पर लगा है कि आपको क्यों मान लेगा? आप क्या उस गठबंधन में ऐसा चीज ला रहे हैं जो दूसरा नहीं ला सकता है? अरे हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 6 महीना में यही आप, हम तो साल भर से कह रहे हैं, आप लोग उछल रहे थे। पटना में बैठक हो गया तो नीतीश कल संयोजक बनने वाले हैं, तो परसों प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, तो 6 महीना के बाद शपथ लेने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री जो बने हुए वो भी नहीं बचने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, नीतीश कुमार की कहानी, राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। ये 5 मिनट लास्ट का, जैसे पिक्चर में होता है ना 5 मिनट का मार धाड़ हल, तब अब क्लाइमेक्स चल रहा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप होने वाला है। प्रशांत किशोर ने आगे नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आप गठबंधन में ऐसी कौन सी नई चीज ला रहे हैं जो दूसरे नहीं ला सकते हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के जिस पद पर बैठे हैं वो भी नहीं बचने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। जैसे किसी पिक्चर के अंत के 5 मिनट मारधाड़ होती है, वही नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का क्लाइमैक्स चल रहा है। नीतीश कुमार के जीवन का पटाक्षेप चल रहा है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।